अम्बाला जिले के स्वास्थ्य विभाग को दूसरी डोनेट मशीन मिली है, जिसमें कोरोना सैंपल टेस्ट के रिजल्ट आएंगे। इस मौके सीएमओ डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति 400 ग्राम क्लोज्मा डोनेट करता है तो दो व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। आजाद टीवी न्यूज के लिए अम्बाला से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ हरजीत सिंह की रिपोर्ट। तो ट्रूनेट मशीन एक कंपनी ने डोनेट की है, फरीदाबाद की कंपनी है। ये मशीन गोवा से आई है और इस मशीन की जो टोटल वैल्यू है 12 लाख से ऊपर है। और इसके साथ साथ दो महीने के इसके साथ जो कंज्यूमेबल्स हैं, चिप्स होती हैं, जो वो भी साथ में कंपनी ने डोनेट किए हैं। तो इसके साथ ही अम्बाला में चार टेस्ट पर आवर की कैपेसिटी होगी, भी जो एक घंटे में चार टेस्ट की रिपोर्ट आ, क्यों दो, एक ट्रूनॉट मशीन पहले थी हमारे पास, दूसरी ट्रूनॉट मशीन आने के बाद तक दो मशीनें होने पे एक मशीन दो एक घंटे में दो टेस्ट करती है। तो दो मशीन से हमारे चार टेस्ट की इमीडिएट रिपोर्ट दे देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, कोई जो पेशेंट सीरियस है और जिसका स्टेटस अभी तक हमारे को नहीं मालूम, कैजुअलिटी में आया है, इमीडिएट सैंपल लेके भेज देंगे, एक घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर मान लो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका वो आई है डिलीवरी के लिए, तो उसका सैंपल लेके, आज मेरी दोनों पीएमओ से भी ये बात हुई है, अगर उसका सैंपल लेके वो भेज देंगे ताकि डिलीवरी से पहले हमने उसका स्टेटस पता लग सके और उसकी डिलीवरी कोविड के प्रोटोकॉल के तहत की जा सके। और साथ ही साथ इनका जो फ़ायदा होगा, मान लो कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है, उसका सैंपल हमने लेना होता है, तो उसकी भी रिपोर्ट उसी टाइम पे मिल जाती है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपील की थी कि जो लोग ठीक हो चुके अपने घर जा चुके हैं उनको सामने आना चाहिए प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए, ताकि बाकी जो सीवियर यानी सीरियस पेशेंट हैं उनका इलाज अच्छे ढंग से हो सके। और प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत भी उन्हीं को, जो बेचारे बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है। प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, अभी जो खून में जो प्लाज्मा बोलते हैं, यानी खून की जो ना RBC को छेड़ते हैं, ना WBC को और ना प्लेटलेट को, उसकी सिर्फ प्लाज्मा यानी जो खून का आप ये कहते हो कि अकेला जो लिक्विड होता है उसको निकाला जाता है 400 ml, जिससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होता। वो 400 ml निकाल के उसमें से 200-200 ml दो पेशेंट्स के काम आ सकता है, जो पेशेंट सीरियस हैं, गंभीर हैं। आप जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनमें एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं और वो एंटीबॉडी आपको पता है वायरस को मारने के काम आती हैं। अगर वो किसी सीरियस मरीज को दिए जाएँ और उसके शरीर में वायरस की बहुत ज़्यादा गहनता है, यानी उसका वायरल लोड ज़्यादा है, तो अगर उसको दिया जाए तो वायरल लोड को एकदम कम कर देती है प्लाज्मा थेरेपी और उसकी लाइफ सेविंग, उसके लिए लाइफ सेविंग साबित होती है। तो मेरे अम्बाला वासियों से यही अपील है, जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी अपील कर चुके हैं, अगर लोगों को सामने आना चाहिए जो ठीक होकर घर जा चुके हैं, अभी वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए सामने आए कि प्लाज्मा डोनेट करें, अगर उनके इलाज में इसकी उनके इलाज में मदद मिल सके, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। हरियाणा में कहाँ कहाँ पे प्लाज्मा बैंक्स हैं और यहाँ से प्लाज्मा बैंक जो बनाने की अभी सरकार की है, अभी पंचकुला में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में, रोहतक में स्टार्ट हो चुकी है प्लाज्मा थेरेपी। और जो प्लाज्मा थेरेपी है, कुछ एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल अम्बाला में 2-3 वो भी यूज कर रहे हैं, नहीं उसमें गुरुग्राम में जो यूज कर रहे हैं। सर अम्बाला से अगर कोई प्लाज्मा थेरेपी का अगर कोई हमारे से डिमांड करता है, मान लो कोई रोहतक डिमांड की या गुरुग्राम ने डिमांड की, अगर किसी ने डिमांड की, तो हम उसको अपने ट्रांसपोर्ट से रोहतक भेजेंगे, वहाँ पे वो प्लाज्मा डोनेट करके वापस आ जाएगा, हम अपनी एम्बुलेंस या अपने व्हीकल से भेजेंगे।